कोलकाता के सरकारी अस्पताल में महिला डॉक्टर के साथ रेप और हत्या के मामले पर देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं। इस बीच भारतीय जनता पार्टी के नेता बिगड़ती कानून व्यवस्था का आरोप लगाते हुए पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस्तीफे और राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग कर रहे हैं। यहां तक कि टीएमसी के अंदर भी मामले को लेकर विरोध के स्वर मुखर होने लगे हैं। तो क्या सच में बंगाल में राष्ट्रपति शासन लग जाएगा? पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस भी रेप और हत्या की बर्बर घटना को लेकर एक्शन मोड में हैं। राज्यपाल मंगलवार को गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करने दिल्ली गए। उन्होंने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से भी मुलाकात की। ऐसे में पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन के भी कयास तेज हो गए हैं। बर्बर घटना को लेकर सुप्रीम कोर्ट की 3 सदस्यीय बेंच भी सुनवाई कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने घटना का स्वतः संज्ञान लिया। सुप्रीम कोर्ट में 3 पत्र याचिकाएं दायर करके कहा गया था कि सीजीआई को मामले का स्वतः संज्ञान लेकर जरूरी आदेश देने चाहिए। आपको बता दें, मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष पर भी सीबीआई शिकंजा कस रही है। उन पर भ्रष्टाचार का मुकदमा दर्ज किया गया है। सीबीआई ने 3 दिन संदीप घोष से लगातार पूछताछ की। आरोप है, घटना के बाद उन्होंने कर्मचारियों के साथ मीटिंग की थी और इस पर किसी तरह से पर्दा डालने का प्लान बनाया। इसके अलावा चुनाव में देरी के कारण महाराष्ट्र में भी राष्ट्रपति शासन लगने की संभावनाएं हैं। ऐसे में आइए जानते हैं किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगने के बाद क्या क्या बदल जाता है। बंगाल के मामले पर बीजेपी पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता शाजिया इल्मी ने एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि उचित अथॉरिटी को पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने पर विचार करना चाहिए। वही जानकारी है कि महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल खत्म होने के 6 महीने के अंदर चुनाव हो सकते हैं, यानी 26 नवंबर 2024 को जब महाराष्ट्र में विधानसभा का कार्यकाल खत्म होगा उसके बाद राष्ट्रपति शासन लग सकता है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि राष्ट्रपति शासन लगाने में कुछ भी गलत नहीं है। मतदान और गिनती की प्रक्रिया कुछ हफ्तों में पूरी कर ली जाएगी। तो कब कब लगता है राष्ट्रपति शासन, ये जान लीजिए। राष्ट्रपति शासन लगाने की व्यवस्था संविधान के अनुच्छेद 355 और अनुच्छेद 356 में है। अनुच्छेद 355 कहता है केंद्र सरकार को राज्यों को बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से बचाना चाहिए। केंद्र सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए कि राज्य सरकारें संविधान के मुताबिक चलें। 356 में राष्ट्रपति को यह शक्ति दी गई है कि वो राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राज्य सरकार की शक्तियों को अपने अधीन ले सकता है। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा करने के लिए अक्सर इन 2 अनुच्छेदों का एक साथ इस्तेमाल होता है, यानी 355 और 356। अगर राज्य सरकार संविधान के मुताबिक काम करने में विफल रहती है तो राज्यपाल इसको लेकर राष्ट्रपति को एक रिपोर्ट भेज सकते हैं। राज्यपाल की सिफारिश को जब कैबिनेट की सहमति मिल जाती है तो किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लग सकता है। जरूरी नहीं कि राष्ट्रपति शासन हमेशा कानून व्यवस्था बिगड़ने पर ही लागू हो। जब राज्य में किसी भी दल के पास बहुमत ना हो, गठबंधन की सरकार भी ना चल पा रही हो, तो ऐसी स्थिति में भी राज्यपाल राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश कर सकता है। तो राष्ट्रपति शासन लगने पर क्या क्या बदल जाएगा? अगर बंगाल या महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगता है तो क्या कुछ बदल सकता है, खासतौर से आम लोगों के लिए? दरअसल राष्ट्रपति शासन में खास बात यह है कि इस अवधि के दौरान राज्य के निवासियों के मौलिक अधिकारों को खारिज नहीं किया जा सकता। इस व्यवस्था में राष्ट्रपति मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद को भंग कर देते हैं। राज्य सरकार के कामकाज और शक्तियां राष्ट्रपति के पास आती हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति चाहें तो ये भी घोषणा कर सकते हैं कि राज्य विधायिका की शक्तियों का इस्तेमाल संसद करेगी। इससे संसद ही राज्य के विधेयक के तौर पर काम करती है। ऐसी स्थिति में बजट प्रस्ताव को भी संसद ही पारित करती है। तो कितने दिनों के लिए राष्ट्रपति शासन लग सकता है अगर ऐसा होता है तो? राष्ट्रपति शासन का प्रावधान केंद्र सरकार को किसी भी असामान्य यानी एबनॉर्मल स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटने में सक्षम बनाते हैं। राष्ट्रपति शासन लगने के 2 महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा द्वारा इसको अप्रूव किया जाना जरूरी है। अगर उस समय लोकसभा भंग होती है तो इस व्यवस्था को बरकरार रखने के लिए राज्यसभा में बहुमत हासिल करना होता है। फिर लोकसभा गठन होने के 1 महीने के भीतर वहां भी अप्रूवल लेना जरूरी है। दोनों सदनों की ओर से सहमति मिलने पर राष्ट्रपति शासन 6 महीने तक रहता है। इसे 6-6 महीने करके अधिकतम 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।